कर्नाटक के एक कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की एक विद्यार्थिनी को हिजाब पहनकर आने पर कुछ धर्मार्थ युवक द्वारा रोककर उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। उस लड़की ने भी अल्लाहु अकबर कहा, जिससे विवाद बहुत गहराया। हिजाब यह मुस्लिम समाज का शालीनता एवं सभ्यता का प्रमाण है। संविधान की धारा 14, 15, 19 और 21 मुस्लिम समाज की महिलाओं को हिजाब पहनने का अधिकार देता है। इसलिए कर्नाटक की PES कॉलेज परिसर में मुस्कान नाम की हमारी बहन को घेरकर प्रताड़ित करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग वर्धा जिलाधिकारी के माध्यम से निवेदन देकर की है। वर्धा सेकुलर फोरम द्वारा आयोजित आज जो धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे लिया गया है, इसका उद्देश्य, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरह से कर्नाटक के हुडुबी में जो कॉलेज के अंदर में हमारे बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो हिजाब पहनकर आने पर जो एक पॉलिटिक्स किया गया है, जो सरकार के आदेश बताकर एक उसको एक सियासी मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासत है। और सियासत की आड़ में कुछ मनुवादी लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए, हमारे मजहब को अटेंशन देने के लिए, हमारे मजहब को टारगेट करने के लिए ये हिजाब का सहारा लेकर अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। ये वाहवाही लूटने हम देना नहीं देंगे, ये हम इसका घोर विरोध करेंगे। हम इसके लिए यहाँ पर ये डेपुटेशन, यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन वर्धा के अंदर में रखा गया है। इसका मकसद यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट दिया है कि हर इंसान अपने हिसाब से अपनी जीवन शैली को जी सकता है, चाहे वो हिजाब में जिए, चाहे वो स्कर्ट में जिए, वो जिस तरह से जीना चाहता है वो अपनी जीवन शैली जी सकता है। ये एक देश, एक संविधान से चलने वाला देश है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान से चलने वाला देश है, ना कि ये मनुवादी द्वारा बनाए हुआ, RSS द्वारा गठित किया हुआ ये द्वारा देश है। ये मुसलमानों को सेकेंडरी एक दुम दर्जे का शहरी बनाने के लिए, मुसलमानों के जरिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करके अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सिर्फ ये किया गया काम है। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा।